तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट आज की अपनी इस क्लास को। अपन लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन लोग पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग अपने कुछ लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, और आज के इस लेक्चर में, जो कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है क्या, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के इस टॉपिक में आज हम कवर करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन फोर सेक्टर इकोनॉमी या फिर ओपन इकोनॉमी। कि भाई साहब, ओपन इकोनॉमी में या फोर सेक्टर इकोनॉमी में किस तरीके से इनकम का फ्लो चारों सेक्टर में होता है। अरे एक बात बताओ, पहले ये चार सेक्टर कौन कौन से होते हैं? पहला सेक्टर ठूसने वाला, मतलब कंजम्पशन करने वाला, दैट इज हाउसहोल्ड सेक्टर। दूसरा सेक्टर ठुसाने वाला, मतलब प्रोडक्शन करने वाला, दैट इज प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तीसरा सेक्टर इन दोनों के ऊपर निगरानी रखने वाला, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। और चौथा सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन सेक्टर। तो आज हम बात करेंगे इन चारों सेक्टर में किस तरीके से इनकम का फ्लो होता है। अब भैया, हम लोग ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लासेस में तीन सेक्टर्स के बारे में कवर कर चुके हैं कि हाउसहोल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच किस तरीके से इनकम का फ्लो होता है। तो भाई साहब, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अगर आप सीधे फोर सेक्टर पे आ गए हो, तो मत आओ, ये पाप मत करो, सीधे फोर सेक्टर पे नहीं आना। इससे पहले टू सेक्टर और थ्री सेक्टर को पढ़ के आना पड़ेगा, तभी फोर सेक्टर वाला क्लियर होगा। इतनी बात समझ में आती है? तो अगर आप फोर सेक्टर पढ़ रहे हो तो पहले के पॉइंट्स कवर कीजिए। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को कि इस बार फॉरेन सेक्टर भी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी है, तो किस तरीके से इनकम का फ्लो होगा। तो इसके लिए पहले आपको बच्चों तीनों के बारे में कि तीनों में किस तरीके से, तीनों बोले तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर, हाउसहोल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, कि तीनों में किस तरीके से फ्लो होता था, भैया पहले वो याद करो, है ना, उसके बाद हम चौथे को शामिल करेंगे। तो चलो एक बार मैं आपको पहले तीनों का रिवाइज करवाता हूं कि तीनों में किस तरीके से फ्लो होता था। अगर आपको याद हो तो एक तरफ हाउसहोल्ड था, एक तरफ फर्म था। पहले इनकी बात करते हैं। हाउसहोल्ड अपनी फैक्टर सर्विस, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फर्म को प्रोवाइड करता है, और फर्म बदले में इनको पेमेंट करती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। हाउसहोल्ड के पास पैसा आता है, हाउसहोल्ड उस पैसे को फर्म को अगेन देता है, और फर्म उसके बदले गुड्स एंड सर्विस हाउसहोल्ड को प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से हाउसहोल्ड और फर्म के बीच होता है। इसको डीप पे मैंने करवा रखा है अपने पिछले लेक्चर्स में, वहां पे दे जाके इसको देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद भाई साहब गवर्नमेंट भी आ गई थी। हाउसहोल्ड जो पैसा कमाएगा उस पर सरकार को डायरेक्ट टैक्स देगा, दैट इज इनकम टैक्स, और फर्म जो पैसा कमाएगी उस पर सरकार को टैक्स पे करेगी, दैट इज जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बदले में जो गवर्नमेंट है वो हाउसहोल्ड को कुछ ट्रांसफर पेमेंट करता है, जैसे कि स्कॉलरशिप की पेमेंट, ओल्ड एज पेंशन, और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है वो फर्म को भी सब्सिडी प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट जो है वो फर्म को भी प्रोडक्शन करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करता है, और इवन गवर्नमेंट भी फर्म से कुछ गुड्स एंड सर्विस खरीदता है और उसके लिए फर्म को पेमेंट करता है। बिकॉज प्रोडक्शन करने वाली केवल फर्म है, तो गवर्नमेंट भी इन फर्म से ही गुड्स एंड सर्विस परचेज करती है और फर्म को पेमेंट करती है। इनके अलावा चाहे हाउसहोल्ड हो, चाहे फर्म हो, चाहे गवर्नमेंट हो, ये तीनों के तीनों अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में, मतलब बैंक वगैरह में सेव भी करते हैं, और नीड पड़ने पर ये तीनों बैंक वगैरह से, फाइनेंशियल मार्केट से लोन भी ले लेते हैं। तो हाउसहोल्ड, फर्म और गवर्नमेंट के बीच कुछ इस तरीके से इनकम का फ्लो होता था। लेकिन भाई साहब, अब तो चौथा प्राणी और आ गया। वो चौथा प्राणी कौन है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन सेक्टर, इट मींस इंडिया के अलावा जो बाकी देश है। अब उनके साथ हमारे कैसे संबंध है, उनके साथ हमारे क्या रिलेशन है, आइए इस बात को समझते हैं। बेटा मैं इस रिलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं इकोनॉमिक रिलेशन की बात कर रहा हूं, मैं आर्थिक संबंध की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एक काम करो ना, यहाँ पे अब एक काम करो ना, जब हाउसहोल्ड आ गया, फर्म आ, गवर्नमेंट आ गया, तो यार एक काम करते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी लगे हाथों बना ही देते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक सेक्टर बनाओ जिसको मैं बोलूंगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, ठीक है जी। चलो अब इस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के बारे में जानते हैं। पहले इसका हाउसहोल्ड और फर्म के साथ संबंध देखते हैं कि हाउसहोल्ड और फर्म के साथ इनका जो है किस प्रकार का संबंध होगा। उसके बाद हम जानेंगे कि इसका गवर्नमेंट के साथ क्या संबंध होगा। पहले बात करते हैं भाई साहब फर्म की। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है और जो फर्म है, फर्म माने क्या भैया? वो कंपनियां
वो कंपनीज जो देश में प्रोडक्शन करेगी। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फर्म के बीच कुछ ये संबंध है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फर्म, देखो ये एक बात समझो, ये फर्म बच्चों इंडिया में है, कहां पे है ये इंडिया में, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बेटा कोई भी देश मान लो, फॉर एग्जांपल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब बाहर के देश, तो एक देश मान लेते फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं मान लो यूएसए की, तो यूएसए क्या हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये बच्चों फर्म कहां पे आ गई जी, ये फर्म आपकी आ गई इंडिया में। अब जब मेरी बात सुनो, जो फर्म है वो यूएसए को माल बेच सकती है, जो इंडिया की फर्म है इंडिया की कंपनी है वो यूएस को माल बेच सकती है, यूएस इंडिया से माल खरीदेगा। तो अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूएस को माल बेचेंगे तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया, अगर हम बाहर माल बेचेंगे तो हमने एक्सपोर्ट किया, तो इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट है। और जब इंडिया ये फर्म यूएस को माल बेचेगा तो बदले में क्या मिलेगा, पैसा। तो इट मीन्स यूएस की तरफ से इंडिया को पैसा आता है, यूएस की तरफ से इंडिया को पैसा आता है, जिसको कि यूएस की लैंग्वेज में कहा जाएगा इंपोर्ट पेमेंट, कि यूएस ने इंपोर्ट किया, यूएस ने इंपोर्ट किया, तो यूएस इंपोर्ट की पेमेंट करेगा किसको, फर्म को, बिकॉज फर्म ने यूएस को माल बेचा, फर्म ने यूएस को माल बेचा तो यूएस के नजरों में वो इंपोर्ट है, इंडिया की नजर में वो एक्सपोर्ट है, तो यूएस के पास से पैसा जाएगा, जो कि यूएस क्या बोलेगा कि भाई मैंने इंपोर्ट की पेमेंट करी, कि मैंने इंडिया से माल इंपोर्ट किया था तो मैंने पेमेंट करी। अब ये थोड़ी है कि केवल यूएस से ही माल खरीदेगा, इंडिया वाले भी बाहर से माल खरीद सकते हैं, इंडिया वाले भी अमेरिका से माल खरीदेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की इस कंपनी ने, इंडिया की इस फर्म ने अमेरिका से माल खरीदा। अब इंडिया अगर माल खरीदेगी तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है जी, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक इंपोर्ट है, लेकिन अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक एक्सपोर्ट है, कि भाई हमने तो माल बेचा है ना, तो अमेरिका की नजर में वो एक्सपोर्ट है। और जब अमेरिका एक्सपोर्ट करेगा, तो अमेरिका को एक्सपोर्ट करने पर पैसा मिलेगा, अमेरिका को एक्सपोर्ट करने पे, जब अमेरिका इंडिया को माल बेचेगा तो एक्सपोर्ट करने पे पैसा मिलेगा, तो अमेरिका के लैंग्वेज में इसको बोला जाएगा एक्सपोर्ट रिसीट, क्योंकि अमेरिका ने एक्सपोर्ट किया तो अमेरिका को पैसा मिलेगा, इसको बोलेगा एक्सपोर्ट रिसीट। तो ये फर्म और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच की ट्रांजेक्शन होती है कि दोनों एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं, एक तरफ से पैसा जाएगा और एक तरफ से पैसा आएगा। बताओ क्या आपको फर्म और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में क्लियर है? हाँ जी भैया, इनके बारे में तो क्लियर है। अब एक काम करते हैं, लगे हाथों रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का और हमारे हाउसहोल्ड भाई साहब का, हमारे कंज्यूमर भाई साहब का आपस में क्या संबंध है, उन संबंध की भी जांच पड़ताल कर लेते हैं। हैं भैया, संबंध आपको बड़ा पसंद है, हाँ संबंध के बारे में, यूएसए और हाउसहोल्ड के बीच क्या संबंध है, आइए बेटा उनको भी देख लो। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे मुन्नो, मेरी रसमलाई रसगुल्लो सुनो, अब होता क्या है, होता यह है जिस प्रकार हाउसहोल्ड फर्म को अपनी सर्विस प्रदान करता है कि हमारे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, भाई साहब फर्म, भाई साहब हमसे सामान ले लो, भाई प्रोडक्शन करो, तो ऐसे ही हाउसहोल्ड अपनी सर्विस यूएस को भी, बाहर के देशों को भी प्रदान करता है। ऐसे कैसे कि बाहर की कंपनी मान लो इंडिया में आ गई, हम भाई साहब इंडिया में, इंडिया में एक बाहर की कंपनी आई तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया ना, बिकॉज कंपनी तो बाहर की है, वो कंपनी तो अमेरिका की है, इंडिया में आ गई, इट मीन्स वो एक फॉरेन सेक्टर है, और उस अमेरिका की उस कंपनी में इंडियन लोग काम कर रहे हैं। मैं मान लो एक अमेरिका की कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो जो मेरे को पैसा मिल रहा है ना, वो अमेरिका से आ रहा है, क्योंकि मैं अमेरिका के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अमेरिका की कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी लेबर दिया, हाउसहोल्ड ने अपनी सर्विस दी, और बदले में अमेरिका पेमेंट करेगा। तो होता क्या है, बाहर की तरफ से हाउसहोल्ड को भी, बिकॉज हाउसहोल्ड अपनी सर्विस इंडिया में, हाउसहोल्ड अपनी सर्विस इंडिया में जो फर्म है उनको भी देगा, और हाउसहोल्ड अपनी सर्विस लैंड, लेबर, कैपिटल जो बाहर की कंपनीज है उनको भी देगा। अरे इंडिया के जो लोग हैं वो क्या केवल इंडियन कंपनीज में काम कर, नहीं, इंडिया में बहुत सारी एमएनसीज है, वहां पर भी काम करते हैं। तो होगा क्या, हाउसहोल्ड जो है बाहर की यूएस ही कंपनी में काम करेंगे, फॉरेन सेक्टर में काम करेंगे, एमएनसी में काम करेंगे, और ये हाउसहोल्ड वाला जो है, सॉरी ये जो यूएस वाला है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो इंडिया को पेमेंट करेगा, जिसको बोला जाएगा फैक्टर पेमेंट। तो इंडिया को क्या मिलता है जी, इंडिया को बाहर की ओर से बोले तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया को फैक्टर पेमेंट भी मिलती है, जैसे कि मान लो
हम काम करते हैं तो हमको बाहर से क्या मिले, बाहर की कंपनी से MNC से अपन को मिले वेजेस। चलो ये तो हो गया हाउसहोल्ड का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। लेकिन सुनो, इसके अलावा और भी चीजें होती है हाउसहोल्ड में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में और हाउसहोल्ड में इसके अलावा और भी चीजें होती है। जैसे कि मेरी बात सुनो, मेरा जो मान लो भाई है वो अमेरिका में रहता है, और अमेरिका में अच्छा कमाता है, मैं केवल इंडिया में बैठ के पढ़ाई करता हूँ, तो मेरा भाई अमेरिका में कमाता है और कुछ पैसे मेरे को इंडिया में भेज देता है। इस प्रकार की बच्चों पेमेंट को बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट, बिकॉज केवल पैसा गया, मेरे भाई ने मेरे को पैसा भेजा, मुझे वापसी नहीं करना, भाई मेरा भाई है मैं वापसी क्यों करूँगा। तो बाहर हमारे रिश्तेदार होते हैं जो अच्छा कमाते हैं और वो इंडिया में पैसा भेजते हैं, बाहर बच्चे जाके कमाते हैं, बड़े हो जाते हैं और इंडिया में अपने पेरेंट्स को पैसा भेजते हैं। तो बाहर से एक प्रकार की और पेमेंट आती है इंडिया वालों के लिए, अपने हाउसहोल्ड के लिए, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट या फिर रेमिटेंस। तो बाहर के जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हमारे जो भैया काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, आज बच्चे बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और पैसा कमाएंगे और इंडिया में भेजेंगे, तो भाई साहब यहां से यहां पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हाउस होल्ड के पास एक प्रकार की और इनकम आती है, जिसको अपन लोग बच्चों बोलते हैं ट्रांसफर इनकम या फिर हाउस होल्ड का तो उसके ट्रांसफर पेमेंट, बिकॉज अमेरिका से पैसा आ तो क्या है, अमेरिका के लिए पेमेंट है, तो ट्रांसफर पेमेंट करी, या फिर हम इसको रेमिटेंस भी कहते हैं। रेमिटेंस को मतलब क्या होता है कि बाहर हमारे रिश्तेदार रहते हैं और उन रिश्तेदार ने हाउसहोल्ड में इंडिया में पैसा भेज दिया, हम ऐसा मान रहे हैं जो हाउसहोल्ड वाले लोग हैं वो भी कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, ठीक है। तो ये भी इंडिया, फर्म भी इंडिया में और सरकार भी कहाँ की बच्चों, इंडिया की। बस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बच्चों कहाँ का होगा, आपका बाहर का होगा। तो कुछ इस प्रकार का जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का फर्म के साथ और हाउसहोल्ड के साथ रिलेशन होता है, ठीक है। अब वैसे तो जरा मेरी बात सुनो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का गवर्नमेंट के साथ भी एक रिलेशन होता है, लेकिन जब आप बुक्स को पढ़ोगे, बुक्स को देखोगे, तो बहुत सारी बुक्स में बताया गया है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का गवर्नमेंट के साथ कोई संबंध नहीं है, कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का संबंध केवल हाउसहोल्ड के साथ है, केवल फर्म के साथ है। इवन अगर आप कुछ और बुक पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल TR Jain, आप TR Jain बुक का नाम जानते होगे, TR Jain बुक के अंदर केवल ये बताया गया है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का संबंध केवल फर्म के साथ है, ना तो इनका संबंध हाउसहोल्ड के साथ है, ना इनका संबंध इंडिया के साथ है। और अच्छी अच्छी किताबों के अंदर हाउसहोल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का संबंध हाउसहोल्ड और फर्म दोनों के साथ दर्शाया गया है। बहुत ही कम किताबें हैं जहां पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का संबंध हाउसहोल्ड, फर्म और गवर्नमेंट के साथ दर्शाया गया है। तो मैं आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का संबंध गवर्नमेंट के साथ भी बताता हूं, मैं सारे बताऊंगा भाई, मैं इसका फर्म के साथ भी बताऊंगा, मैं इसका हाउसहोल्ड के साथ भी बताऊंगा और मैं गवर्नमेंट के साथ भी बताऊंगा। भाई मुझसे ही को पढ़ रहे हो, मैं पूरा ज्ञान दूंगा, वीडियो लंबी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन ज्ञान पूरा लेंगे। साफ बात, सीधी बात, इको पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, टॉप मारेंगे, पेपर फाड़ के आएगा भैया, बस आप साथ रहना बेटा, तुम्हारे साथ हूं मैं, तुम मेरा साथ मत छोड़ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस। समझ में आ गया, चलिए ज्यादा भावुक मत हो भैया, हम रो जाएंगे, बेटा तुमसे पहले मैं रो जाऊंगा। अब सुनो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का गवर्नमेंट के साथ क्या संबंध है, तो मेरी बात सुनो बेटा, गवर्नमेंट भी तो बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है बेटा। फॉर एग्जाम्पल हमारी भारत सरकार भी तो बाहर से मिसाइल्स खरीदती है, हमारी भारत सरकार भी तो बाहर से गन्स खरीदती है, तोप खरीदती है, एयर जेट खरीदती है लड़ने के लिए, लड़ाकू विमान है, तो हमारी गवर्नमेंट भी तो इंपोर्ट करती है और हम भी कुछ ऐसी वस्तुएं बनाते हैं जिसका हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है भाई साहब। तो अल्टीमेटली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का गवर्नमेंट के साथ ये संबंध में, थोड़ा आपको जो है इस चार्ट को थोड़ा अब ध्यान संबंध, थोड़ा चार्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इसमें बातें आ चुकी है, ठीक है। तो सुनो, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने मान लो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या किया, इम्पोर्ट किया, तो अगर रेस्ट, अब थोड़ा मैं बना रहा हूँ ठीक से, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो है गवर्नमेंट ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बच्चों क्या किया, इम्पोर्ट किया। अब एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट करेगी, अगर गवर्नमेंट, आपको दिख रहा है क्या, ऐसे बना लो ये गवर्नमेंट, तो यहाँ पे ऐसे एरो साइड आएगा आपका, ठीक है,
तो यहाँ से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इम्पोर्ट किया, किसको, गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट किया। तो एक बात बताओ, अब अगर गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मेरे बच्चों इम्पोर्ट करेगी, तो आपको पता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे ड्यूटी पे करनी पड़ती है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे टैक्स पे करना पड़ता है। तो ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इम्पोर्ट करेगी, तो साथ ही साथ इम्पोर्ट करने के साथ साथ गवर्नमेंट एक तो इम्पोर्ट की पेमेंट भी करेगी, और इम्पोर्ट की पेमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट उस पर टैक्स भी देगी, इम्पोर्ट ड्यूटी भी पे करेगी। तो गवर्नमेंट के पास से क्या जाएगा, अगर गवर्नमेंट इम्पोर्ट करेगी तो गवर्नमेंट को बदले में, अगर गवर्नमेंट इम्पोर्ट करेगी तो गवर्नमेंट को, बच्चों थोड़ा गलत सा बन गया यार, अगर गवर्नमेंट इम्पोर्ट करेगी तो बदले में गवर्नमेंट इम्पोर्ट की पेमेंट भी करेगी। तो ये तो होगी गवर्नमेंट के पास से क्या, इम्पोर्ट की पेमेंट, और इम्पोर्ट की पेमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट जो है ड्यूटीज भी पे करेगी, दैट इज इम्पोर्ट ड्यूटी। तो गवर्नमेंट इम्पोर्ट की पेमेंट भी करेगी, और इम्पोर्ट की पेमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट इम्पोर्ट ड्यूटी भी पे करेगी। तो ये हो गया एक तरफ से इम्पोर्ट वाला। तो गवर्नमेंट ने बाहर से माल मंगाया, इम्पोर्ट किया, और बदले में इम्पोर्ट की पेमेंट करी और उस पर ड्यूटीज पे करी। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट केवल इम्पोर्ट करती है, बेटा गवर्नमेंट अपना माल बेचती भी तो है। तो गवर्नमेंट इम्पोर्ट करने के साथ साथ गवर्नमेंट बाहर माल बेचती भी है, गवर्नमेंट यूएसए को एक्सपोर्ट भी करेगी। हमने मान लो अपने अनाज बेचे, हमने अपने मसाले बेचे, तो गवर्नमेंट के पास से अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करेगी तो गवर्नमेंट के पास से पैसा जाएगा। इसको बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जी गवर्नमेंट ने भाई साहब एक्सपोर्ट किया। तो गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट भी करके किसको, यूएसए को। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट किया किसको, यूएसए को। तो अल्टीमेटली हमारे पास से वस्तु गई। अब जब गवर्नमेंट यूएसए को एक्सपोर्ट करेगी तो बदले में गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भाई हमको एक्सपोर्ट की पेमेंट करो, हमको पैसा दो। तो गवर्नमेंट जो है यूएसए को एक्सपोर्ट करेगी तो बदले में क्या लेगी, पैसा। तो अब यूएसए वाला क्या करेगा, अब यूएसए वाला गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट की पेमेंट करेगा, तो गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। तो गवर्नमेंट इसको बोलेगी एक्सपोर्ट रिसीट, क्योंकि पैसा मिल रहा है तो रिसीट बोला जाएगा। तो गवर्नमेंट को क्या मिलेगी, एक्सपोर्ट रिसीट, प्लस गवर्नमेंट को ड्यूटीज भी तो मिलेगी, बिकॉज इस बार अब गवर्नमेंट ने माल बेचा तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। अब यूएसए वाला हमारे इंडिया को टैक्स पे करेगा सामान खरीदने पे। तो यहाँ पे हमने टैक्स पे किया बिकॉज हमने सामान खरीदा। अब हम सामान बेचेंगे तो यूएसए वाला एक तो एक्सपोर्ट की पेमेंट करेगा, और एक्सपोर्ट की पेमेंट के साथ साथ ड्यूटीज इट मींस एक्सपोर्ट टैक्स या एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करेगा। ठीक है, तुमने माल का एक्सपोर्ट किया और बदले में एक्सपोर्ट रिसीट, एक्सपोर्ट का पैसा मिला, प्लस ड्यूटीज मिली, टैक्स मिला। तो यहाँ पे होता है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का गवर्नमेंट के साथ रिलेशन। ये देखो, अब मैंने इस चार्ट के अंदर बेटा सारे के सारे ए टू जी अच्छे से संबंध क्लियर है कि किसका संबंध किसके साथ क्या है। ये पूरा का पूरा आपका चार्ट कंप्लीट हुआ। अगर पेपर में आ जाए ओपन इकोनॉमी मतलब फोर सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो शो करो, इट मींस आपको ये पूरा चार्ट करके आना है। अगर बोले थ्री सेक्टर मतलब क्लोज इकोनॉमी, तो केवल हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट, और बोले टू सेक्टर प्राइवेट क्लोज इकोनॉमी, तो केवल हाउस होल्ड और फर्म की बात की जाएगी। जरा बताओ क्या आपको इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा का पूरा फोर सेक्टर भी क्लियर कर दिया, और होपफुली ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक बार अपन लोग जल्दी से इसकी रीडिंग कर लेंगे। अगर आपको चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम रीडिंग करेंगे फोर सेक्टर की। अब फोर सेक्टर में थ्री सेक्टर भी आएगा, टू भी आएगा, तो मैं केवल फोर सेक्टर वाले पॉइंट पढ़ाऊंगा। थ्री सेक्टर वाले पॉइंट, टू सेक्टर वाले पॉइंट आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखे हैं, आप उनको अपने आप रीडिंग कर लेना। मैं केवल और केवल जो नए नए पॉइंट है फोर सेक्टर वाले, केवल उनको क्लियर करूंगा। होपफुली आपको ये चार्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई साहब, तो आइए रीडिंग पे आते हैं। ठीक है, तो मैं केवल फर्स्ट पॉइंट पढ़ाऊंगा और मैं केवल सेकंड पॉइंट, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बाद जो भी पॉइंट आ रहे हैं वो आपने ऑलरेडी लास्ट क्लास के लेक्चर्स में कवर कर रखे हैं, मैं आपको भी दिखा भी दूंगा। ठीक है, देखो ये बोलता है कि फोर सेक्टर के अंदर या फिर ओपन इकोनॉमी के अंदर क्या क्या आता है। कि एक तो आपका आता है हाउस होल्ड, एक आता है फर्म, एक गवर्नमेंट और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर बात करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर की, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को
इनकम मिलती है प्रोड्यूसिंग सेक्टर से इन रिटर्न फॉर द गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट बाय द फर्म। अगर कोई फर्म बाहर से गुड्स एंड सर्विस को इंपोर्ट करेगी तो फर्म पेमेंट करेगी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को वो इनकम रिसीव होगी, बिकॉज हम पेमेंट करेंगे तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को फॉरेन सेक्टर को पैसा मिलेगा। उसी प्रकार तो इसमें क्या होगा, मनी फ्लोस फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेक्टर, फर्म के पास से पैसा जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को, मान लो यूएस को। ऐसे ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी पेमेंट करेगा, कब, जब वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर से गुड्स एंड सर्विस को परचेस करेगा। इट मींस यूएस ने मान लो इंडिया से गुड्स एंड सर्विस को परचेस करा तो यूएस वाला पेमेंट करेगा, बिकॉज हमने अपने माल को एक्सपोर्ट किया तो बाहर से पैसा आएगा। तो अब की बार क्या होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर से इनकम का फ्लो होगा किसकी ओर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर की ओर या फिर फर्म की ओर। समझ में आ गया, पहला पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट बोलता है हाउस होल्ड सेक्टर जो है ना वो भी प्रोवाइड करता है सर्विस किसको, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड ने अपने लेबर दिए एमएनसीज को कि हम एमएनसीज में काम करेंगे और बदले में क्या मिलेगा जी, पेमेंट मिलेगी। और तो और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर हाउस होल्ड को रेमिटेंस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अमेरिका में हमारे रिश्तेदार रहते हैं तो उन्होंने रेमिटेंस भेज दिया, कोई भी ट्रांसफर पेमेंट भेज दी किसको, अपने हाउस होल्ड को, अपने परिवार को। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पेमेंट ऐसे भी आती है। और उसके बाद ये थर्ड पॉइंट आपको मैंने पढ़ा रखा है, ये फर्म और मतलब अब देखो ये थर्ड पॉइंट मनी फ्लोस फ्रॉम वाला, अगर आप देखोगे तो लास्ट क्लास आपको मैंने सारे पॉइंट पढ़ा रखे मनी फ्लोस फ्रॉम, तो एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट, ये चारों के चारों पॉइंट हमने जो है अपनी, ये एक पॉइंट, ये दो पॉइंट, ये तीन पॉइंट, ये चार पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट बच्चों हमने अपनी लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में कवर कर रखे हैं। मुझे कुछ एक्स्ट्रा करवाने की अब नीड नहीं है, बिकॉज ये जो सारे के सारे पॉइंट आ रहे हैं वही वाला पॉइंट की फर्म ने जो है गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, डायरेक्ट टैक्स मिलेगा, किससे मिलेगा, हाउस होल्ड से, इनडायरेक्ट टैक्स किससे मिलेगा भाई साहब, फर्म से। ये सारे के पॉइंट हमने लास्ट के लेक्चर में कवर कर रखे हैं तो इनको मुझे पढ़ाने की नीड नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वही सारी बातें लिखी है जो आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। बताओ इतनी बातें आपको क्लियर है। तो यहां पे बच्चों देखा जाए तो अपन लोगों ने ओपन इकोनॉमी के अंदर, फोर सेक्टर इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से इन चारों सेक्टर में इनकम और एक्सपेंडिचर का फ्लो होगा भाई साहब समझ लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, इस लेक्चर में इतना काफी है। अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे बिल्कुल नया नवेला सुंदर सा प्यारा सा सुशील सा टॉपिक, मजा आएगा। ये चैप्टर बिल्कुल मस्त चल रहा है बेटा, फ्लो में चल रहा है, कंटिन्यू रखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है बेटा, जाओ उसको ज्वाइन करो। व्हाट्सएप नंबर गिवन है बेटा, मेरे को व्हाट्सएप करो, ठीक है, ताकि हम दोनों मतलब हम सब एक दूसरे से कनेक्ट रह सके। स्वयं आगे कनेक्शन आज के टाइम पे बहुत जरूरी है, कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए, आपको भी आगे बढ़ना है और मेरे को आपको आगे बढ़ाना है, तो कनेक्शन रहना चाहिए, ठीक है भाई साहब। इतनी बात क्लियर है भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब। चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ बच्चों मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, चलिए बाय।